हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप लोग आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, क्या आपके पास Redmi का 5A मोबाइल है? जी गाइस, अगर आपके पास Redmi का 5A मोबाइल और आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम हो रही है, हमारे डिवाइस की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो गाइस, यहाँ पर आपके डिवाइस की बैटरी कैसे भी ड्रेन हो रही हो, किसी किसी भाई का सवाल है कि हमने लास्ट अपडेट किया था तब से बैटरी ड्रेन हो रही है। एंड किसी किसी भाई का सवाल है कि हमारे मोबाइल इतना ओल्ड होता जा रहा है, ऑटोमेटिक बैटरी बैकअप कम होता जा रहा है। किसी किसी भाई का सवाल है हमारी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लगी है, अब हम क्या करें जिससे बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग्स करने वाला हूँ जिससे आपका बैटरी बैकअप है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, फालतू में जो आपकी बैटरी कंज्यूम होती है वो नहीं होगी। आपको एक ही काम करना है, वीडियो को सुशली के एंड तक वॉच करना है, वीडियो को आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आप नॉर्मल ट्रिक की बात करेंगे, फिर आपको इससे एक हैवी सेटिंग बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है और यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ ऑन रहती हैं कि ऑफ रहती हैं। क्योंकि गाइस, यहाँ पर आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं और आपके बैकग्राउंड में रन करती हैं जिससे हमारी बैटरी फालतू में ड्रेन होने लगती है। एंड गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं, जैसे आप किसी परमिशन देती हो तो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जैसे आपका वाईफाई भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। एंड गाइस, यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को लोग 24 घंटे ऑन करके रखते हैं, जैसे कि उनको मोबाइल के डाटा ऑन करने का कोई काम नहीं होता है या उनका मोबाइल लॉक करके पॉकेट में रखा रहता है बट उनका मोबाइल का डाटा ऑन होना होता है। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है, हमेशा जब भी आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हो तभी मोबाइल का डाटा ऑन करना है, वरना हमेशा ऑफ करके रखना है। कुछ लोग फालतू में मोबाइल के डाटा को ऑन करके रखते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इससे सबसे पहली बात, आपका बैटरी बैकअप खराब हो जाता है। दूसरी बात, आपका डाटा ऑन होने से आपका पूरा मोबाइल एक तरह से ऑनलाइन हो जाता है, जितने आपके डिवाइस में एप्लीकेशन वगैरह होते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आने लगती हैं और आपकी बैटरी फालतू में ड्रेन होने लगती है। तो हमेशा आपको मोबाइल के डाटा को ऑफ करके रखना है। अब सिंपली आपको जाना सेटिंग में, जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में जाओगे, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा Redmi के 5A मोबाइल में अपडेट आना काफ़ी दिन पहले ही बंद हो चुके हैं, बट आपको क्या करना है, अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको अपडेट वाले सेक्शन में जाना है। अपडेट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर थ्री डॉट दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। सबसे फर्स्ट सेटिंग मिलेगी आपको डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज, उस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपके डिवाइस में ओल्ड अपडेट होगा वो दोबारा से री अपडेट हो जाएगा, इससे आपका मोबाइल का UI है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। होने के बाद सिंपली आपको आना नीचे, एंड एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिस्प्ले का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डिस्प्ले पे जाओगे यहाँ से आप डार्क मोड यूज कर सकते हो, या आप कंट्रोल सेंटर में ही यहाँ पर मिल जाएगा डार्क मोड, यहाँ से भी आप लगा सकते हो। जैसे आप अपने मोबाइल को डार्क मोड में यूज करोगे, इससे क्या होता है गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी कोई भी चीज़ आपकी बैटरी को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है तो वो होती है आपकी डिस्प्ले। डिस्प्ले आप ब्लैक कर दोगे, अब आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा सेव होगी, 20 से 30% आपका बैटरी बैकअप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो आप हमेशा डार्क मोड का यूज कर सकते हो। अभी के लिए कर लेता हूँ मैं लाइट मोड में। सिंपली आपको जाना बैक, जैसे बैक आओगे अब आपको क्या करना, आपको जाना ऐप्स में, फिर आपको जाना मैनेज ऐप में। जैसे आप मैनेज ऐप में आओगे यहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन लोड होकर आ जाएंगे, एंड एक ऑप्शन मिलेगा सर्च बार का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एस बाई। जैसे कि यहाँ पर आप एस बाई सर्च करोगे, सबसे पहले आपको सिस्टम लॉन्चर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लियर ऑल डाटा कर देना है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आपके डिवाइस में जो मेन चीज होती है वो होता है आपका लॉन्चर और UI। अब आपने लॉन्चर को क्लियर ऑल डाटा कर दिया, आपका मोबाइल का जो बैकग्राउंड है यानी कि UI का बैकग्राउंड है वो क्लीन हो जाएगा, बिना रीसेट किए हुए, बिना डाटा कटे हुए। हालांकि किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा कोई डाटा तो नहीं कट जाएगा, तो इससे आपका कोई भी डाटा नहीं कटेगा। सिंपली आपको ना बैक, अब आपको जाना सिस्टम UI पे, इसे आपको क्लियर किसी कर देना है। वैसे यहाँ पर आपका UI और लॉन्चर दोनों क्लीन हो चुके हैं, अब आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश हो चुका है, जो भी बग वायरस जंक फालतू वो क्लीन हो चुकी हैं, अब आपकी फालतू में जो बैटरी कंज्यूम होती थी वो नहीं होगी। एंड आप जैसे होम स्क्रीन पर आओगे यहाँ पर देख सकते हो आपके एप्लीकेशन द्वारा से रीलोड होंगे, बट आपका कोई भी डाटा नहीं कटेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। सिंपली आपको दोबारा से सेटिंग में जाना है। जैसे आप दोबारा सेटिंग में जाओगे आपको यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप बैटरी वाले ऑप्शन में जाओगे, सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन लगा सकते हो बैटरी सेवर का, तो यहाँ से आप स्क्रीन से भी लगा सकते हो। जैसे बैटरी सेवर लगाओगे, इससे क्या होता है आपकी जो बैटरी है काफ़ी ज़्यादा सेव होती है, जो थर्ड पार्टी चीज़ें होती हैं आपके बैकग्राउंड रन करती हैं वो रन करना बंद कर देती हैं, तो आप इस चीज़ को ऑन कर सकते हो। आपको सिंपली आना नीचे, वैसे यहाँ पर देख सकते हो सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ आपकी बैटरी कंज्यूम करती है तो वो होती है स्क्रीन। तो आप जितना हो सके, मेरी देख सकते हो 24% ही है, आपकी हो सकता है 50% हो, उससे भी ज़्यादा हो, तो जितना हो सके आपको डार्क मोड में यूज करना है मोबाइल को। फिर आपके नीचे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो आपकी बैटरी कंज्यूम कर रहे होंगे, कुछ एप्लीकेशन तो ऐसे होंगे जो आपने यूज़ नहीं किए होंगे वो भी आपकी बैटरी कंज्यूम करती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना, ऊपर साइड आपको सेटिंग का लोगो दिखाते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऐप बैटरी सेवर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आप ऐप बैटरी सेवर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन लोड किए जाएंगे, एक एक करके सभी एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। वैसे आप फर्स्ट टाइम आओगे तो बैटरी सेवर रिकमेंडेशन होगा, इसे आपको रिस्ट्राइक कर देना है। जैसे आप रिस्ट्राइक कर दोगे, ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन करना बंद कर देंगे, जिससे आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा सेव होने लगती है। देख सकते हो मेरे ऑलरेडी यहाँ पर एप्लीकेशन रिस्ट्राइक है, जो नहीं है आपको सभी को कर देना है। करने के बाद अब आपका बैटरी बैकअप है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो बैटरी आपकी फालतू में कंज्यूम होती है वो नहीं होगी। सिंपली आपको जाना बैक,
अब गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, आपकी बैटरी फालतू में ड्रेन क्यों होती है। सबसे पहली बात तो आपको अपने मोबाइल का डाटा है यानी कि लोड है वो कम करना है, फालतू के फोटो वीडियो डिलीट करने, फालतू के एप्लीकेशन भी डिलीट कर देने। इनसे क्या होता है आपके जो नोटिफिकेशन वगैरह या इनकी रनिंग प्रोसेस होती है वो कम हो जाएगी, आपका मोबाइल लाइट मोड में आ जाएगा और आपकी बैटरी फालतू में ड्रेन नहीं होगी। एंड एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं एंड आप क्या करोगे, जैसे कि आपको पता है रेडमी का 5A मोबाइल है काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, तो आप एक बार अपने मोबाइल को खुलवाकर जो बैटरी है उस पर आप साफ कर सकते हो, बैटरी कनेक्टर नक्का वगैरह साफ करके द्वारा बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हो। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा बैटरी फूली हुई तो नहीं है। कभी कभी कहीं यहाँ पर आपको पता है ओल्ड मोबाइल हो जाता है तो बैटरी भी फूल जाती है, बैटरी की भी लिमिट होती है, बैटरी हेल्थ की भी लिमिट होती है, तो आप एक बार बैटरी को चेक करा सकते हो। इससे क्या होगा बैटरी के कनेक्टर भी साफ हो जाएंगे और आपका बैटरी बैकअप भी इंक्रीज हो जाएगा, और बैटरी फुली हुई होगी तो आप बैटरी भी चेंज करा सकते हो। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग, इन्हें आपको फॉलो करना और आपका बैटरी बैकअप है इंक्रीज हो जाएगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।